मूवी की शुरुआत में हीरोइन को दिखाते हैं, उसका नाम मिया है। वो 15 साल की है और बहुत ही शाई टाइप वाली लड़की है। मिया की माँ एक आर्टिस्ट है और वे दोनों रेनोवेट किए गए एक फायर स्टेशन में रहते हैं। मिया के बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं, पर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम है लिली। और लिली भी मिया की तरह शांत स्वभाव वाली लड़की है। उनकी क्लास में लना नाम की एक लड़की होती है जो बहुत ही शो अप करती है और मिया को हमेशा तंग करती रहती है। उनकी क्लास में जोश नाम का एक लड़का होता है जिसे मिया पसंद करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जोश लाना का बॉयफ्रेंड होता है। कट करके दिखाते हैं कि एक दिन मिया को अपनी क्लास के सामने स्पीच देने के लिए बुलाते हैं, पर उसके अगेंस्ट बोलने के लिए जोश को सिलेक्ट किया जाता है। इस सिचुएशन में जोश अपने हिस्से की स्पीच खत्म करता है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब मिया की बोलने की बारी आती है और वो बहुत ही डर डर कर बोलने लगती है। वहाँ के सभी लोग उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। अब मिया घबरा कर बाहर भाग जाती है। कट करके दिखाते हैं कि मिया घर आती है। उसकी माँ उसे एक एड्रेस देती है और कहती है ये तुम्हारी दादी का एड्रेस है और वो तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम कल स्कूल के बाद उनसे जरूर मिलना, ओके। ये सुनकर मिया को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है हम इतने सालों से यहाँ कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, हमारे पास तो ढंग का घर भी नहीं है, हम जिंदा हैं या मर गए उन्हें तो हमारी कोई फर्क ही नहीं पड़ी, अब तक उन्हें हमारी याद क्यों नहीं आई और अब अचानक दादी मुझ पर इतना प्यार क्यों दिखा रही है, मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। पर उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है और किसी तरह उसे कन्विंस कर लेती है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन स्कूल से वो सीधे उस एड्रेस पे जाती है। वहाँ दादी का घर नहीं होता बल्कि एक बहुत ही आलीशान बंगला होता है। वहाँ कोट पहने हुए कुछ नौकर आते हैं और मिया को अंदर लेकर बिठाते हैं। कोट सूट में उन्हें देखकर मिया सोचती है अरे दादी तो बहुत ही ऊंची लेवल की लगती है। वो कंफ्यूजन में बैठी होती है कि तभी उसकी दादी उससे मिलने आती है और बाद में उससे पता चलता है कि उसकी दादी क्लार्ड से जिनोवा राज्य की रानी है। ये जानकर तो मिया हैरान हो जाती है। क्लार्ड से कहती है तुम्हारे पिता इस राज्य के राजकुमार थे पर कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया, अब तुम ही जिनोवा राज्य की प्रिंसेस हो और मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है कि तुम राज्य की जिम्मेदारी को संभाल लो। मिया चौंक कर पूछती है दादी आप जरूर मजाक कर रही है ना। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, पर क्लार्सा के मुंह से पूरी कहानी सुनने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वही जिनोविया की प्रिंसेस है। क्लार्सा कहती है तुम जल्दी प्रिंसेस की जिम्मेदारी संभाल लो, फिर देखो तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी। मिया पूरी तरह कंफ्यूज हो गई होती है। वो अचानक ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाती और कुछ बहाना कहकर वहाँ से निकल जाती है। कट कर दिखाते हैं कि वो सीधे घर पहुँचती है और माँ से पूछती है कि माँ आपने इतने सालों से मुझसे ये सारी चीजें क्यों छुपा कर रखी, प्लीज माँ सब सच बताओ। उसकी माँ कहती है मेरे और तुम्हारे पापा का डाइवोर्स हो गया था और तुम्हारी दादी चाहती थी कि तुम कुछ साल एकदम एक आम लड़की की तरह रहो और उन्होंने फैसला किया था कि 18 साल की उम्र में तुम्हें प्रिंसेस बनाकर जिनोविया की राजमहल में ले जाऊंगी, पर अचानक तुम्हारे पापा का देहांत हो गया और इसीलिए तुम्हें वो अभी ले जाना चाहती है। अब कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन क्लार्ड से मिया के घर आती है और कहती है मैं दुनिया के सामने ऐलान कर देना चाहती हूँ कि तुम ही जिनोविया की राजवंश की अगली वारिस हो, पर उससे पहले तुम्हें इस बात की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि एक प्रिंसेस को कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके बाद ही मैं ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर पाऊंगी। मिया ट्रेनिंग लेने से मना कर देती है, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम पहले वो ट्रेनिंग लेकर तो देखो, अगर ट्रेनिंग के बाद भी तुम्हारा ख्याल नहीं बदला तो तुम वहां मत जाना। अब मिया भी कन्विंस हो जाती है। कट करके दिखाते हैं कि मिया के लिए उसकी दादी ने एक स्पेशल सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट रखा होता है जो उसे स्कूल ले जाता है। इतना ही नहीं, दादी ने उसे वो कार भी गिफ्ट कर दी होती है। स्कूल से लौटते वक्त वो लिली को भी कार में लिफ्ट देती है। लिली कार को देखते ही उस पर बड़ी फिदा हो जाती है। वे सीधे एक कार शेड पर जाते हैं जहाँ मिया ने अपनी पुरानी कार रिपेयर के लिए दी होती है। उस कार शेड में लिली का भाई काम कर रहा होता है जिसका नाम माइकल है और वही इस मूवी का हीरो है। माइकल मिया से एक तरफा प्यार करता है और मिया को इस बात की कोई खबर नहीं होती। कट करके दिखाते हैं कि मिया अपनी प्रिंसेस ट्रेनिंग में बहुत ही बिजी हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सर से पांव तक उसके लुक्स को चेंज करने की बात चल रही होती है। यही नहीं, एक प्रिंसेस के नाते उसे सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए और कैसे क्लीन होना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और इस तरह की कई चीजों पर उसे ट्रेन किया जाता है, पर वो भी सब कुछ ठीक से सीख नहीं पाती। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन उसे डांस की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसे टेबल मैनर्स सिखाते हैं। वो धीरे धीरे सीखने लगती है और इस तरह वो रोज स्कूल के बाद दादी के घर आकर ट्रेनिंग ले रही होती है। इस वजह से वो लिली के साथ वक्त नहीं गुजार पाती। और दूसरी ओर उसकी दादी ने इटली से कुछ फेमस ब्यूटीशियंस को बुलाया होता है जो उसके मेकअप और हेयर स्टाइल पर काम करेंगे। वे मिया के आईब्रोज और बाल ठीक करते हैं और उसका फेशियल भी करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वो और भी सुंदर दिखती है। वे उसका चश्मा तोड़कर उसे कॉन्टैक्ट लेंस पहनाते हैं और अब वो सच में प्रिंसेस लगती है और ये देखकर दादी बहुत ही खुश हो जाती है। वो ब्यूटीशियंस को वार्न करती है कि इस बात की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मिया लिली को पिकअप करने जाती है। उसे देखकर तो लिली बिल्कुल हैरान हो जाती है, पर उसे बुरा भी लगता है कि मिया आजकल उसके साथ ठीक से बात
बात नहीं करती। इस वजह से दोनों में थोड़ी अनबन शुरू हो जाती है। वो मिया से कहती है, इस तरह तुम दिन ब दिन सुंदर होती गई तो हमारी फ्रेंडशिप ही कट हो जाएगी, इसलिए तुम आगे से अपने बाल इस टोपी के अंदर छुपा कर रखना और टोपी पहनकर स्कूल आना, समझी। मिया उसकी बात टाल नहीं पाती और टोपी पहनकर स्कूल आती है। अब लिली को शक होता है कि किसी वजह से मिया उससे बहुत दूर जाने वाली है। इस वहम के कारण दोनों में आर्गुमेंट होती रहती है। आखिर में मिया उसे सारी सच्चाई बताई देती है और ये सुनकर तो लिली शॉक हो जाती है और खुशी के मारे चिल्लाती है कि क्या, मैं इतने दिनों से एक प्रिंसेस के साथ चल रही थी, ओह माय गॉड। मिया कहती है, ठीक है चिल्लाओ मत, प्लीज चुप हो जाओ और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को नहीं बताओगी। लिली प्रॉमिस करती है कि वो ये गुड न्यूज किसी को नहीं बताएगी। कट करके दिखाते हैं कि दोनों स्कूल पहुंचते हैं। क्लास में लाना जबरदस्ती मिया की टोपी उतरवाती है। टोपी निकालते ही सभी स्टूडेंट्स मिया का नया रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मिया स्कूल जा रही होती है और तभी रास्ते में उसे माइकल मिलता है। दोनों मजे से बातें करते हुए चल रहे होते हैं। माइकल एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और कुछ ही दिनों में उसका एक म्यूजिक कंसर्ट भी होता है। वे अपने कंसर्ट के लिए मिया को इनवाइट करता है। मिया हाँ तो कर देती है पर उस बात को सीरियसली नहीं लेती। तभी वहाँ लिली भी आती है और तीनों साथ स्कूल जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन स्कूल में मीडिया वाले मिया को घेर लेते हैं और उसे सवाल पे सवाल कर रहे होते हैं। लगता है किसी ने मिया का सीक्रेट मीडिया को बता दिया था। उन्हें देखकर मिया डर जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तभी वहाँ क्लार्क से भी आ जाती है। कट करके दिखाते हैं कि क्लार्क से उस ब्यूटीशियन से पूछताछ कर रही होती है और वो मान जाता है कि पब्लिसिटी के लिए उसने मीडिया को ये सब बताया था। अब पूरी दुनिया को पता चल गया होता है कि मिया जेनेविया की प्रिंसेस है। इसलिए अगले ही दिन क्लार्क से एक बड़ा डिनर पार्टी अरेंज करती है जिसमें उसने दुनिया के सभी रॉयल फैमिलीज को इन्वाइट किया होता है। पार्टी में वो उन सबसे मिया को इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर सब बैठ कर डिनर करने लगते हैं। अब तक तो ट्रेन पटरी पर चल रही थी पर क्या आगे भी चलेगी। सबने खाना खाना शुरू कर दिया था और तब मिया अपने पास बैठे आदमी के कोट पर गलती से आग लगा देती है। फिर वो उस आदमी का हाथ आइस बकेट में डुबोकर सोने पे सुहागा कर देती है। इतना ही नहीं, मिया स्पून से ठीक से खा भी नहीं पाती और उसकी प्लेट से फ्रूट्स फिसलकर नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें निकालने के लिए वो नीचे झुकती है और पीछे खड़े वेटर को गलती से धक्का दे देती है। वेटर के हाथ से सारी चीजें गेस्ट पर गिर जाती है। ये देखकर तो सब हंसने लगते हैं और इससे क्लार्क से का घोर अपमान होता है और वो गुस्से में सर पर हाथ रखकर मातम मना रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मिया ट्रेनिंग के लिए फिर दादी के घर पहुंचती है। उसे डर होता है कि दादी उसे खूब डांटने वाली है पर क्लार्क से ऐसा कुछ नहीं करती। वो अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके मिया के साथ वक्त गुजारती है। वो मिया को बाहर लेके जाती है और दोनों साथ मिलकर मिया के फेवरेट गेम्स खेलते हैं और उनका फेवरेट खाना भी खाते हैं। दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं और वापस घर आ रही होती है। मिया कार चला रही होती है और रोड जरा चढ़ावदार होती है और ऐन वक्त पर कार के ब्रेक भी काम नहीं करते। मिया कार से कंट्रोल खो देती है और वो तेजी से पीछे की तरफ आ रही होती है। वहाँ चल रहे केबल पर कार टकरा जाती है और वो रुक जाती है। पुलिस मिया को अरेस्ट करने आती है लेकिन क्लार्क से कन्विंस करने में माहिर होती है और वो किसी तरह पुलिस का मुंह बंद कर देती है। इतना ही नहीं, पुलिस वाले खुद उन्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ने जाते हैं। लगता है हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सभी जगह पुलिस का यही हाल है। तभी मिया रियलाइज करती है कि उसकी दादी कोई साधारण औरत नहीं है बल्कि बहुत ही पावरफुल औरत है जो कुछ भी कर सकती है। वो क्लार्क से कोई काबिल रानी मानने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन स्कूल में छोटे बच्चे मिया का ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। अब तक जिस लड़की को कोई नहीं जानता था वो अब पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गई होती है। उसे तंग करने वाली लाना भी मीडिया वालों से कह रही होती है कि मिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इतना ही नहीं, जोश जो अब मिया को देखा भी नहीं करता था वो अब मिया के पास आकर कहता है कि इस सैटरडे को होने वाली बीच पार्टी में तुम जरूर आना, ओके। ये सुनकर मिया का चेहरा एकदम खिल जाता है। लेकिन जोश की बीच पार्टी और माइकल का म्यूजिक कंसर्ट दोनों एक ही समय फिक्स हो गए होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि मिया माइकल से कहती है कि वो म्यूजिक कंसर्ट में नहीं आ पाएगी। वो इस बात के लिए उससे माफी मांगती है। माइकल को पता चल जाता है कि जोश के लिए मिया उसे इग्नोर कर रही है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। कट करके दिखाते हैं कि घर पर उसकी माँ कहती है, जोश तुमसे कभी भी बात नहीं करता था पर अब सबको पता चल गया है कि तुम प्रिंसेस हो इसीलिए वो तुम्हें इनवाइट कर रहा है, तुम उस पर विश्वास मत करना। पर मिया कहाँ मानने वाली थी, वो अपनी माँ के एडवाइस को नहीं मानती और बीच पार्टी में चली जाती है। कट करके दिखाते हैं कि पार्टी में कई रिपोर्टर्स आए होते हैं जिन्हें देखकर मिया और जोश एक कमरे में छुप जाते हैं। जोश उसे किस करने की कोशिश करता है पर मिया को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वो उसको रोक देती है। फिर भी दोनों बाहर जाते हैं और वहाँ रिपोर्टर्स के सामने जोश मिया को जबरदस्ती किस करता है। रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींच लेते हैं। फिर लाना मिया को एक टेंट के अंदर जाकर ड्रेस चेंज करने को कहती है। मिया टेंट के अंदर ड्रेस चेंज करने लगती है। इसी बीच लाना रिपोर्टर्स को वहाँ बुलाकर टेंट गिरा देती है और मिया घबरा जाती है क्योंकि उसने सिर्फ एक
टॉवल पहना होता है। रिपोर्टर्स इस हालत में भी उसकी फोटो खींच लेते हैं और इस इंसल्ट को वो सह नहीं पाती और उन सब पे चिल्लाती है। फिर वो किसी तरह वहाँ से बचकर घर जाती है। कट करके दिखाते हैं कि वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है और दुखी होकर रोने लगती है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और हिम्मत से काम करने को कहती है। कट करके दिखाते हैं कि मिया की वो फोटोज अब न्यूज़पेपर में छपने लगती है। उन्हें देखकर क्लार्क से बहुत ही अपसेट होती है। तभी मिया उसके पास जाती है और पूरी बात बताती है। फिर वो इस बात के लिए दादी से माफी भी मांगती है और कहती है, मैं एक अच्छी प्रिंसेस नहीं बन सकती, मेरी उतनी औकात ही नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी। पर क्लार्क से कहती है कि कुछ ही दिनों में मैं ये ऐलान कर दूंगी कि तुम जिनवियो की प्रिंसेस हो। तब एक बहुत ही बड़ा फंक्शन भी होगा, तुम उस फंक्शन में जिसे चाहो बुला सकती हो, पर उस गधे जोश को मत बुलाना, ओके। मिया जरा शांत होकर वहां से चली जाती है। तभी उसका सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्लार्क से कहता है, आप उसे प्रिंसेस के रूप में ही देखती हैं, पर सच बात तो यह है कि वो एक टीनेज लड़की है और आपकी पोती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मीडिया को मिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। वो जान गई है कि मीडिया को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। यही इस बात का सबूत है कि वो आपकी तरह जेनविया की एक बड़ी काबिल रानी बनेगी और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मिया लिली से मिलती है और म्यूजिक कंसर्ट के न आने पर उससे माफी भी मांगती है। फिर दोनों पहले की तरह बातें करने लगते हैं और मिया उसे उस बड़े फंक्शन के लिए इन्वाइट भी करती है। फिर दिखाते हैं कि वो माइकल के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है। फिर वो उसे अपने फंक्शन पर इनवाइट करती है, पर माइकल गुस्से में कहता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे लिए जोश इम्पोर्टेंट है ना, उसे इनवाइट करो, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि शाम को क्लार्क से मिया से मिलती है और कहती है कि मैं उस दिन तुमसे बेवजह नाराज हो गई थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। जब तुम जेनविया की प्रिंसेस के रूप में शपथ लोगी तो उस समय तुम्हें एक स्पीच भी देनी है, तुम इसकी तैयारी भी कर लो, और ये डायरी तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम्हारे पापा तुम्हें 16वें बर्थडे पर देना चाहते थे। और डायरी लेकर मिया घर चली जाती है। कट करके दिखाते हैं कि सब कुछ इतनी तेजी से होने की वजह से मिया बहुत घबराई हुई होती है और कंफ्यूज्ड हो गई होती है। प्रिंसेस बनकर स्पीच देते वक्त कुछ गलत कह दिया तो सबके सामने उसकी दादी का बहुत ही अपमान हो जाएगा और ऑलरेडी उसकी वजह से उसकी दादी की बहुत इंसल्ट हो चुकी होती है। इसलिए मिया शहर छोड़कर भाग जाने का फैसला करती है। तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ती है जो उसके पापा ने उसके लिए रखी थी। वो उसे पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि राजवंश का मतलब है निडर होना और किसी भी सिचुएशन में बिना घबराए उसका सामना करना ही हमारी पूंजी है। मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बेहद प्यार करता था बेटी, लेकिन हालत ने मुझे तुम दोनों से दूर कर दिया। और इस तरह दिल को छूने वाली इमोशनल बातें उसके पापा ने लिखी होती हैं। चिट्ठी पढ़कर मिया अब अपना फैसला बदल देती है और फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। कट करके माइकल को दिखाते हैं। मिया ने उसके लिए पिज्जा ऑर्डर किया होता है और उस पर सॉरी भी लिखा होता है। उसे देखकर तो माइकल खुश हो जाता है और सोचता है कुछ हो ना हो मिया मेरी फीलिंग्स को समझती है और वो भी फंक्शन में जाने का फैसला करता है। अब दिखाते हैं कि फंक्शन में मिया को न पाकर क्लार्क से खुद ही स्पीच देने लगती है। कुछ ही देर में मिया वहां पहुंच जाती है, पर वो बारिश में पूरी तरह भीगी भी होती है। लेकिन क्लार्क से को मिया पर बहुत विश्वास होता है और वो अपनी स्पीच अधूरी छोड़कर मिया को बुलाती है। मिया स्टेज पर आती है और शाय टाइप की होने के बावजूद वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू करती है। पहले वो जरा डगमगाती है, पर जब उसे अपने पापा की लिखी बातें याद आती है तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो बेझिझक बोलने लगती है। उसकी स्पीच सुनकर सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। स्पीच के अंत में वो ऐलान करती है कि मैं जेनविया की प्रिंसेस हूँ। तब क्लार्क से आकर मिया के सर पर ताज रखती है और सभी मिया की जय जयकार करते हैं। फिर मिया अंदर जाती है और प्रिंसेस की ड्रेस में बाहर आती है। उस ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर दिखती है और तभी वहाँ माइकल भी आता है। वो और मिया अब डांस कर रहे होते हैं और दोनों बहुत ही खुश नजर आते हैं। फिर वहाँ के दूसरे लोग भी डांस करना शुरू करते हैं। अब इतने में मिया और माइकल वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अकेले में माइकल अपने दिल की सारी बातें मिया को बता देता है और मिया के लिए उसकी जो फीलिंग्स होती है वो सब कुछ खोलकर मिया के सामने रखता है और उसे प्रपोज करता है। आखिर में दोनों किस करते हैं। कट करके दिखाते हैं कि एक प्राइवेट फ्लाइट में मिया जा रही होती है। असल में वो जेनेवा जा रही होती है, जहां उसे ऑफिशियली जेनेवा का राजभार सौंपा जाएगा और उसके साथ उसकी माँ भी होती है। कट करके दिखाते हैं कि लिली उससे मिलने जेनेवा आती है और माइकल भी समर वेकेशन में मिया से मिलने जेनेवा आता है। और आखिरी में जेनेवा के शानदार पैलेस को दिखाकर ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ये एक फील गुड मूवी है जो क्लाइमेक्स में आपके चेहरे पर स्माइल छोड़ जाएगी। तो मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।